डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका 248, ये डेसिमल में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल मीन्स 8, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो सिंपल आप इसे लिख लो 248, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ लिखना है, इसे करके देख लो 248। तो डिवाइड करो इसे 8 से, 8 3 24, 8 1 8, तो कितना आया यहाँ पर, क्वेश्चन आपके आया 831 और रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 31 और यहाँ आ जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर से हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो 8 से लेस देन ना हो, ठीक है। अब 8 को 30, अब 31 को डिवाइड करना है 8 से, 8 5 8 2 6 8 3 24, कितना आ गया 25 26 27 28 29 30 31, 7। तो 7 आपका आ गया रिमाइंडर, तो यहाँ आ गया 7 रिमाइंडर और 3 आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब 3 इज लेस देन 8, तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब इसको इस डायरेक्शन में कॉपी कर लेंगे, 3 7 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑक्टल नंबर, किसका, इसका कन्वर्जन, 248 का ऑक्टल में क्या होगा, 370, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मुझे 32 ले लो ये डेसिमल में, तो इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा, देखेंगे 32 को डिवाइड करना है आपको 8 से, 8 1 8 2 16 8 3 24 8 4 32, ठीक है। 32 आ गया, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। अब 4 इज लेस देन 8, ये छोटा हो गया 8 से, तो इस डायरेक्शन में आप कॉपी कर लो इसे, तो क्या आएगा 40, ये हो गया आपका इसका ऑक्टल कन्वर्जन, किसका, 32 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू।